हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं। और आज जो है मैं सोच रही थी कि मैं सुबह से ही ब्लॉग बनाऊं, अपना मॉर्निंग जो मेरा लंच रूटीन है वो मैं सोच रही थी कि उसको मैं शूट करूं, लेकिन जो है हो ही नहीं पाया क्योंकि इनाया का जो है, अब इनाया की थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो गई है। क्योंकि इनाया पहले तो क्या होता था कि रात में नहीं सोती थी और दिन में सुबह से ही वो सोती रहती थी, लेकिन अब क्या उसका 2-3 दिन से टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है कि वो सुबह बिल्कुल सोती ही नहीं है। या तो उसको गोद में खिलाते रहो या फिर झूले में उसको झुलाते रहो, मतलब एक जना उसको प्रॉपर चाहिए। तो वो जो है दोपहर के टाइम ही, मतलब अभी जो है मैं बिल्कुल अभी जस्ट उसको सुला कर आई हूँ। काफ़ी टाइम से उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस अभी मैं उसको सुला कर आई हूँ। अभी बेटू जो है, बेटू की छुट्टियाँ हैं, सभी बच्चों की अभी इस टाइम पर छुट्टियाँ होंगी क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा है। तो इसलिए जो है अभी उसकी, वो जो है मंडे को जाएगी। तो अभी सुबह ऐसा कुछ रहता नहीं है कि जल्दी जल्दी काम करना, क्योंकि उसके चक्कर में जो है काफ़ी टाइम चला जाता था, क्योंकि उसको तैयार करना, उठाना, उठती काफ़ी देर में है, इतनी मतलब मुश्किल से उठती है, जागती ही नहीं है। उससे बहुत सारी बातें करो जब वो थोड़ा सा मूड बनाती है अपना स्कूल जाने के लिए। बच्चे भी क्या, वो छोटी है तो वो इतना थोड़ी सी जिद करती है, लेकिन फिर मान जाती है जब उसको समझाते हैं, कहते हैं, उसको बातों में लेते हैं तो वो फिर चली जाती है। तो बस उसी में उसका टाइम बच रहा है तो वो इनाया ले रही है। मतलब ऐसा है, मुझे मतलब ऐसा लगा था कि फेस्टिवल टाइम में जो है थोड़ा सा सुबह के टाइम कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन जो है वो स्कूल नहीं जा रही है तो इनाया ने अपने आप में बिजी कर लिया है। क्योंकि पहले मुझे सही लगता था कि चलो ये सुबह काम के टाइम पर तो सोती है, रात में नहीं सोती है तो चलो रात में तो अपन फ्री रहते हैं तो रात में जगना ठीक है, जग लेते हैं, नींद ही तो नहीं, सो ही तो नहीं पाएंगे लेकिन जग तो लेंगे। तो मतलब जब हम किसी काम में बिजी रहते हैं तब तो बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल रहता है, अगर हम फ्री टाइम में बच्चों को लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब जो है रात में रहती थी, जगती थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो वो दिन में जगती है, रात में जो है सो जाती है, 1-1.5 बजे करीब सो जाती है, फिर रात में एक ही बार शायद उठती है 4-5 बजे के टाइम पे, फिर नहीं उठती है। फिर तो वो सुबह से जब 2-3 दिन से जो है 8 बजे से उठ जाती है और फिर वो सोती ही नहीं है। मुश्किल से दोपहर में मैं सुलाऊंगी तो सोएगी, तो अभी फाइनली वो सो गई है। तो बस अभी जो है शुरू शुरू में जो इतनी सारी बातें हो गई हैं। मैं मार्केट गई थी, आप लोगों को बताया था कि मैं मार्केट गई थी अभी, तो जो मैं लेकर आई थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाया था। मैं एक दो चीज़ें लेकर आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे लाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं वाइट टोन पाउडर जो था वो यूज करती थी, लेकिन अभी मैंने देखा कि वाइट टोन क्रीम भी आ गई है, तो बस वही मैं लेकर आई हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये वाइट टोन क्रीम है, ये मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो है ये मुझे पड़ी है, कितने की है, 75। तो मैंने इसको जो है एक बार यूज किया है तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। जब मैं दूसरी बार मार्केट गई थी उस दिन आलिया को दवा दिलाने, मम्मी जी का सामान चेंज करने, तो जब भी मैं लगा कर गई थी इसी को ही लगा कर गई थी सिर्फ, और कुछ नहीं लगाया था मैंने, तो बस यही लगाया था। तो मुझे बड़ा पसंद आया ये, क्योंकि मुझे ऐसी क्रीम पसंद ज़्यादा है जो स्किन पे लगाने के बाद ज़्यादा मोटा बेस नहीं लगता है। मतलब जैसे कुछ लगा लेते हैं ना चेहरे पर तो भारीपन दे, ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि हमें कुछ, हमने चेहरे पे लगाया हुआ है, कुछ मेकअप किया हुआ है। तो मुझे ऐसी क्रीम वगैरह कुछ भी लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं मार्केट वगैरह जा रही हूँ या फिर घर में ही कुछ लगाने का मन है, मेकअप करने का, तो मैं ऐसी चीज़ लगाना पसंद करती हूँ कि जो बिल्कुल स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। मुझे मतलब ऐसी चीज़ लगाने की आदत है जो स्किन पे लगाने के बाद बिल्कुल मुझे महसूस ना हो कि मुझे कुछ लगाया, बिल्कुल हल्का पन लगे। तो ये बस ऐसी ही है, तो ये बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो है पिंक कलर की क्रीम निकली है जो कि बहुत अच्छी है, तो मैं इसको मैं लगा कर बताती हूँ आपको। और ये बहुत ही अच्छी से लग जाती है पूरे चेहरे पर, और बस सिर्फ थोड़ी सी लगाना पड़ती है, ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये देखिए, ये मैंने इसको लगा लिया और ये मतलब आपको भी देखने में नहीं लग रहा होगा, जैसे मेरी पहले स्किन थी वैसी ही है, थोड़ी सी वाइटनिंग आ गई है, तो बस इसीलिए मुझे पसंद है। और ये मतलब बिल्कुल लगाने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ अलग क्रीम लगाई है, और मुझे बड़ी पसंद आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ यूज कर लेती हूँ तो वो मुझे पसंद आती है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने गार्नियर की क्रीम यूज की थी तो मैंने आप लोगों को बताई, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस गार्नियर की क्रीम तो मैं डेली यूज में लगा रही हूँ, लेकिन ये मैं कभी कभी के यूज करती हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ मार्केट के लिए या घर के लिए, क्योंकि मैं ये उन लोगों के लिए ठीक है जो मेकअप करने में थोड़ा सा आलसी है, जैसे कि मैं मेकअप करने में थोड़ा सा आलसी हूँ कि क्या लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो मुझे ये चीज़ों में थोड़ा सा झंझट लगता है। हाँ, मेकअप मैं जब लगा सकती हूँ, जैसे मुझे कहीं शादी पार्टी में जाना है तो ही मैं मेकअप करना अच्छे से करती हूँ, वरना मुझे क्या लगता है, अगर मार्केट वगैरह जाऊँ तो सिर्फ एक क्रीम लगा लो, बस लिपस्टिक लगा लो, काय लगा लो, उस तैयार हो गए। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है बस, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, जैसे जिन लेडीज़ के बच्चे छोटे होते हैं तो उन लोगों को तो जो है मेकअप करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चे भी रोते हैं, अगर बाय चांस बच्चे रो रहे हैं उस टाइम पर, हमें कहीं जाना है या तैयार हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो फिर ज़्यादा मेकअप तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर इन चीज़ों से जो है जल्दी से फटाक से मेकअप कर सकते हैं बस, या बीबी क्रीम हुई या फिर ये क्रीम भी यूज करके फ़ौरन तैयार हो सकते हैं। तो मैं ये लेकर आई हूँ, और मैं लेकर आई हूँ मेवलिन न्यूयॉर्क का कम्पैक्ट, तो ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं लेकर आई हूँ क्योंकि जब मैं दूसरे दिन गई थी तब मैंने नहीं लगाया था, सिर्फ ये क्रीम लगाकर लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई थी, तो इसको जो है मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसको मैं अभी यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि मुझ पर एक तो था तो मैंने सोचा था, ये मैं गई थी तो फिर मुझे याद आया कि मुझे कुछ और लेना चाहिए, तो फिर मुझे ये दिख गया था तो फिर मैंने ये लिया है। तो इसके अंदर जो है एक मिरर है और ये है, इससे मैं इसको लगा कर देखती हूँ ये कैसा देता है लोग। तो ये बस मैंने हल्का हल्का लगा लिया है, तो ये देखिए ये मतलब बिल्कुल कंप्लीट मेकअप हो गया है, ये भी बहुत अच्छा है। अब मैंने इसको यूज़ किया है तो ये भी अच्छा है, और ये मेरी स्किन से बिल्कुल मैच खाता है। जब मैं कुछ भी मतलब कम्पैक्ट पाउडर वगैरह लेने जाता, सभी लेने आते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे कि उसको थोड़ा सा अपनी स्किन पे लगा कर देखते होंगे, मैं इस तरीके से इसको चेक करती हूँ कि मेरे मतलब स्किन में ये मिक्स हो रहा है कि नहीं, अगर मुझे वाइट वाइट से लगता है तो मैं उसको नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर जैसे कि हमने कुछ लगाया है तो वो वाइट वाइट दिखे चेहरे पर, तो ऐसे कम्पैक्ट पाउडर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। तो ये मेबलिन का न्यूयॉर्क है, और ये मुझे कितने का पड़ा है, ये पड़ा है 175 का, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने ये दो चीज़ें परचेस की हैं और ये दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। तो इसमें लिखा है 12 आवर्स तक वाइटनिंग फ्रेशनेस कम्पैक्ट, ये 12 घंटे तक वाइटनिंग देगा और फ्रेशनेस देगा, तो ये फ्रेशनेस कम्पैक्ट है। मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा रिव्यू करना वगैरह नहीं आता, लेकिन मैंने जो चीज़ जो है कि आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो बस थोड़ा बहुत इनके बारे में ज़्यादा तो जानकारी रहती नहीं है इन प्रोडक्टों के बारे में, तो बस जितना होता है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे मैं यूज करती हूँ नॉर्मली वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मुझे बोलना भी नहीं आता है, मतलब किस तरीके से इनको इनके लिए बोलना चाहिए, तो बस मैं जैसे सिंपल हूँ वैसे ही मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मैंने दो चीज़ें ली हैं, तो बस और एक इन दो चीज़ों को लगाने के बाद सिर्फ एक हल्की सी लिपस्टिक लगा लें,
जो कि मेरी फेवरेट है। ज़्यादातर आप लोग सोचते होंगे ये एक ही शेड लगाती हैं, मुझ पर वैसे तो काफ़ी शेड है लेकिन मुझे जो है घर में सिर्फ यही वाली ज़्यादा पसंद रहती है, क्योंकि घर में ज़्यादा हैवी रेड कलर या और कुछ कलर मुझे लगाना पसंद नहीं है, सिर्फ मैं इसी को लगाती हूँ ज़्यादातर, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये हो गया मेरा मेकअप। तो ये हम जैसे आलसी लोगों के लिए परफेक्ट मेकअप है, बस दो तीन चीज़ें यूज की और सिर्फ मेकअप हो गया। सिर्फ इसमें काजल की ज़रूरत है, थोड़ा सा काजल और लगा, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, तो बस इन तीन चीज़ों से जो है मैंने मेकअप किया है। तो बस यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आज जो है नाम नहीं है किसी के लेने के लिए, सिर्फ बर्थडे विश करना है। तो तीन लोगों के नाम है जिनको मैं बर्थडे विश कर देती हूँ। तो आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अमीना इरुम, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अफीफा फातिमा, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे कहसान परवीन। तो ये तीन लोगों के बर्थडे हैं। तो हम मेरी दुआ मेरे तरफ से दुआ है कि आप लोगों को दुनिया में हर खुशी मिले, आपकी हर दुआ पूरी हो। तो बस ये तीन लोगों का बर्थडे है, तो इनका विश कर दिया है। तो बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप ऐसे ही देखकर ब्लॉग नहीं रह जाया करें, मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ अच्छा से अच्छा ब्लॉग लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और क्लिक जरा लाइक जरा जरूर कर दिया करें और बेल का बटन क्लिक जरूर करा करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।